शहर विधायक व महापौर ने निगम क्षेत्र के 7 वार्डों में 90 लाख के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने दुर्ग नगर निगम क्षेत्र के 7 वार्डों के नागरिकों को 90 लाख के विकास कार्यों की सौगात दी है, जिसके अंतर्गत शंकर नगर, नया आमापारा, शिवपारा, बांधा तालाब, केलाबाड़ी, बोरसी व नया पारा रोड में भूमि पूजन किया गया। 90 लाख रुपए की इस राशि से नाली व सीसी रोड निर्माण कार्य कराया जाएगा। इस अवसर पर निगम महापौर धीरज बाकलीवार व शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि भाजपा शासन के 15 साल में विकास के पहिए थमे हुए थे और पूर्व सरकार मूलभूत सुविधाओं के विकास के प्रति उदासीन बनी हुई थी। ऐसे में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही विकास कार्यों में तेजी आई है। उन्होंने ये भी कहा कि शहर की मुख्य सड़कों के साथ ही अब निगम क्षेत्र के आंतरिक वार्डों में भी विकास कार्य कराए जाएंगे, ताकि शहरवासियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस संबंध में शहर विधायक अरुण वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का कुशासन इस प्रदेश में रहा और उस कुशासन से कोई बच नहीं सका। उसमें हमारा दुर्ग भी सम्मिलित है। हमने कई बार प्रदेश सरकार में विपक्ष के विधायक के रूप में मांग की कि हमारे दुर्ग में सड़क, नाली, बिजली, पानी की व्यवस्था की जाए, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। एक भी राशि दुर्ग में फूटी, कौड़ी भी दुर्ग के लिए स्वीकृत नहीं की। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, भूपेश बघेल जी की सरकार आई है, हमने जिन जिन कार्यों के लिए कहा वह सारे कार्य स्वीकृत हुए, जिसका ताज़ा उदाहरण आप देख रहे हैं। 70 करोड़ की लागत से नेहरू नगर से मिनी माता तक चौक का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य प्रारंभ है, और थगड़ा बांध 14 करोड़ रुपए उसने स्वीकृत करवाया है, उसका भी काम प्रारंभ है। और हमने आयुक्त महोदय से, नगर निगम के अधिकारियों से कहा है कि इस कार्य को समयावधि में पूरा करें। वहीं सड़क के निर्माण कार्य को समयावधि में पूरा करें, उसमें ढील ढिलाई न करें। और नगर निगम में जो काम हो रहे हैं 60 वार्डों में समानुपातिक रूप से हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो भेदभाव किया जाता था कि ये कांग्रेस का वार्ड है, ये भाजपा का वार्ड है, तो कांग्रेस के वार्ड में काम नहीं कराना है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद अगर हम विधायक, महापौर, सांसद बनते हैं तो सभी क्षेत्र हमारा होता है। क्षेत्रों को बताया नहीं जा सकता पार्टी में, सभी क्षेत्र के लोग हमारे हैं और हमने उसी आधार पर सभी वार्डों में बराबर बराबर राशि स्वीकृत की है। चूँकि 2 साल का कोरोना काल था, इस कारण बहुत से स्वीकृत कार्य हो नहीं सके हैं। 1 साल के अंदर इस कार्य को प्रारंभ कराया गया है और लगातार अभी हमने 3 दिन में 3 करोड़ से अधिक के कार्यों का भूमि पूजन सभी वार्डों में किया है। नाला, शंकर नाला 14 करोड़ का, जो 14 साल तक हम लोग देखते रहे कि आखिर इसका समय कब आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो समय नहीं आया। उसके लिए भी 14 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई। आज शंकर नगर और दुर्ग के जो 11 वार्ड के लोग हैं, जो मध्य से होकर ये नाला जाता है, सभी नालों में काम चल रहा है और लोग इस बात के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि अब बरसात में हमको डुबान में नहीं आना होगा। ये कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सभी वार्डों में सड़क, नाली, बिजली, पानी जैसे कार्य प्रारंभ हैं। तो अभी जो हमने किया कल, तो इसी कड़ी में ये काम सुचारू रूप से जारी है और ये जारी रहेगा। ट्रेंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।